हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम जा रहे हैं अरना झरना द डेजर्ट म्यूज़ियम पार्क। यहाँ पे हम देखेंगे जो पुराने ज़माने में जो लोग हैं हुआ करते थे, वो अपनी दिनचर्या में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, वो सब चीज़ें दिखाई जाएंगी यहाँ पे। और ये देखो, इवनिंग का टाइम है और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है आज। सामने देखो, ये जो कुटिया है इसमें ये सामान दिखाया जाएगा हमें। और अभी सनसेट हो रहा है तो कितना अच्छा लग रहा है। देखो, बच्चे बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं कि अंदर हमें क्या मिलेगा, देखते हैं। ये जो दादाजी हैं ये हमें गाइड कर रहे हैं, ये हमें बता रहे हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा हमें। यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे मिट्टी के बर्तन और बेसिकली मटके हैं यहाँ पे, जो कुछ दूध जमाने के लिए, दूध रखने के लिए, दही बनाने के लिए। दूसरी जगह आ गए हैं और इसके अंदर देखते हैं हमें क्या मिलेगा। यहाँ हमने देखा, यहाँ बहुत सारी कठपुतलियाँ हैं, उनको तैयार कर रखा है, उनकी ड्रेसेस बना रखी हैं अलग अलग टाइप की। और राजा महाराजाओं की यहाँ पे मूर्तियाँ लगा रखी हैं। ये है चूल्हा, पुराने ज़माने में लोग खाना बनाते थे इस पर। अरे तेजस ने क्या उखाड़ लिया, अरे ये तो आटा चक्की है, इसमें आटा पीसते थे लोग। और ये बर्तन डेकोरेट कर रखे। ये है संदूक, लेडीज़ अपने गहने कपड़े इसी के अंदर रखती थी पहले के ज़माने में। चलिए हम चलते हैं अब आगे, दादाजी हमें बुला रहे हैं और हम देखते हैं इसमें क्या है। इसमें है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो पुराने ज़माने के लोग यूज़ करते थे। देखो ये कितने सारे हैं, बहुत सारे हैं। बच्चे भागने लगे थे, अब हम जा रहे हैं एक छोटी सी कुटिया में, देखते हैं इसमें क्या मिलेगा। और हम अंदर गए, हमने देखा, अरे ये तो पूजा घर है। और पहले के ज़माने के लोग इस टाइप का मंदिर यूज़ करते थे, जो बहुत कम स्पेस लेता था, लेकिन इसको फोल्ड कर रखा है पूरा, अंदर से ओपन हो सकता है ये। तो दादाजी हमें बता रहे हैं इसको अनफोल्ड करके। ये देखो, इसके अंदर हमें फाइनली मूर्ति मिलेगी राम जी की, सीता मैया की और लक्ष्मण जी की। सब ने फिर जय जय की, काफ़ी सुकून मिला इधर आके। और फाइनली ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब नीम का पेड़ है, आप यहाँ पे रेस्ट कर सकते हो और चाय कॉफ़ी जिसको चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। और देखो कितनी ठंडी ठंडी हवा मिल आ रही है। बच्चे बहुत खुश हुए यहाँ पे आके। थैंक यू।